तो भाई सभी लोग का स्वागत है आज के नए इनफैक्ट वीडियो के अंदर। तो मेरे चलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आपको ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी मजेदार अपडेट्स बताऊं एंड साथ ही साथ भाई आप सभी को यहां पर एक से दो दिन के अंदर हमारा एक न्यू मोको स्टोर इवेंट देखने मिलने वाले। इसके अंदर माल के एंड ओल्ड आइटम्स आने वाले, वो मोको स्टोर का रिव्यू है ना इस वीडियो के अंदर मैं एकदम कराने वाला हूं। तो बस वीडियो के एंड तक जरूर से वॉच कर लेना एंड मेरे चलो मेरे प्यारे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, लाइक है 50 लाइक है तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। देखो दोस्तों लाइक जरूर से कर देना, लाइक करना फ्री होता है तो प्लीज लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जो से कर देना, जिससे आपको डेली ही ऐसे कंटेंट इसे मिलते रहेंगे। तो अगर सब्सक्राइब जो से कर देना कि आपके भाई का चैनल आपको डेली ही ऐसे कंटेंट इसलिए मिलते रहते हैं। साथ साथ भाई अपन को 100 सब्सक्राइबर रीच करने हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी जो नीचे आपको रेड कास्ट का वाला बटन देख रहे ना, तो प्लीज आ चलो सब्सक्राइब जो से कर देना एंड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो प्लीज अकाउंट से पूछना। हम लोग करते वीडियो को, पहला कमेंट हमारे सजी करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हमारे जो ओल्ड लाइट पास है ना, अपन सबको कब तक टन देखने को मिलेंगे। तो देखो अपने यहाँ पे जो ओल्ड लाइट पास है, हमारे अपने यहाँ पे जो सकोरा बंडल हिप हॉप बंडल, तो यहाँ पर जितने भी फ्री फायर में इवेंट्स है ना, उन सब में से केवल ये एक टाइम पे टन आ सकता है, वो है गाइस हमारे पे एनिवर्सरी। मतलब फ्री फायर के भाई एनिवर्सरी आती ना, केवल मात्र एनिवर्सरी पे ही रिटर्न आ सकता है। और जो कि हमारी 7th एनिवर्सरी आ रही है, तो देखो केवल भाई यहाँ 5% आपको चांस दे रहा हूँ कि हाँ भाई अपन सबको यहाँ पे जो बंडल से रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों यार पहले ही गई ना कि यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस हो चुका है अपने यहाँ पे ओल्ड लाइट पास को रिटर्न देने। तो देखो एक जहाँ पे उनके बोलते हैं कि भाई स्कॉर्पियन एमटेन के ऊपर बताओ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो स्कॉर्पियन बंडल रिटर्न आ रहा है ना, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ही मत सोचना कि आपको स्कॉर्पियन रिटर्न देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अपने ऑलरेडी ईवो एमटेन 14 का रिंग इवेंट चल रहा है। तो अगर गई ना ईवो एमटेन 14 के अलावा भी अपन को ये जो एमटेन 14 देगी ना, को भी पता कि इसको बहुत कम लोग निकालेंगे दोस्तों, अभी गई ना अपन को नहीं देगी। हाँ दोस्तों अपने यहाँ पर जो सितंबर अक्टूबर मंथ आएगा ना दिवाली के टाइम पे, तभी के टाइम पे अपन सबको यहाँ पे ईवो एमटेन 2.0 देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखो भाई आप यहाँ पर पूछते हैं कि भाई यहाँ पे रैम्पेज एमटेन 14 का इंक्यूबेटर का जो रिंग इवेंट अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो अपने यहाँ पे अगस्त मंथ के अंदर रैम्पेज का इवेंट रिटर्न आने वाला है, एंड ये जो एमटेन 40 है ना अपने रैम्पेज की इवेंट की है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अगस्त मंथ के अंदर इसका जो रिंग इवेंट है मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिल जाएगा। आपको ईवो एमटेन 14 ज्यादा पसंद है, ईवो एमटेन 2.0 ज्यादा पसंद है, फिर गाइस हमारे यहाँ पे ईवो एमटेन 14 ये रैम्पेज वाली ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट से बता दो। इसी जगह पे बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट ईवो वॉल्ट रिंग इवेंट आने वाला है, प्लीज उसका रिव्यू करा दो। तो देखो भाई यहाँ पर अपन को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा रिंग इवेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सिटी मैंने ना बहुत अच्छे एक वीडियो बना, लिंक है ना भैया ऊपर आई बटन आपको मिल जाएगा, जाके विजिट करके आप लोग भाई पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अपन को यहाँ पर जो नेक्स्ट वॉल्ट रिंग इवेंट देखने मिलने वाला 2 जून को, तो उसके अंदर पॉसिबल है कि G18 प्लस आपको ईवो एक्स मेट देखने को मिल सकती है, एंड उसके अंदर आपको ईवो एमटेन 14 प्लस हमारी ईवो स्कार भी रहने वाली है। ठीक है तो इस बार आपको जो इस बार नहीं निकल पाए एमटेन 14 भैया, वो नेक्स्ट मंथ निकाले, उनके पास नेक्स्ट मंथ भी गोल्डन चांस रहे। बोलते हैं कि भाई गन पे ना 50% ऑफ कब आएगा डायमंड वाला, मतलब कि भाई यहाँ पर अपने जो गन के क्रिएट्स हैं, जैसे अपने ईवो टोकन पे डिस्काउंट आता है, क्रिएट्स पे भैया डिस्काउंट कब आएगा। देखो भैया यहाँ पर हमारा जो 7th एनिवर्सरी आ रही है ना, तो भाई पॉसिबल कि 7th एनिवर्सरी आपको स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिल जाए हमारे गन के क्रिएट्स के ऊपर प्लस स्टोर के ऊपर भी। तो देखो भाई ऐसे यहाँ पे बोलते हैं कि भाई माइटी फेस्ट की स्किन प्लस हमारे पे जो वन मैन पंच फेस्ट का स्किन अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। यार अपने गेम के अंदर जो वन मैन पंच फेस्ट का स्किन है ना, वन मैन पंच के कोलैबोरेशन के साथ रिटर्न आएगी, एंड इसका जो कोलैबोरेशन भी पॉसिबल नंबर है दिसंबर मंथ तक हो जाए के टाइम पे अपन सबको वन मैन पंच फेस्ट की स्किन भी रिटर्न देखने को मिल जाएगी। तो देखो भाई ऐसे यहाँ पे उनके बोलते हैं भाई FFTC द प्रो बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ पर FFTC ये जो बंडल है आपको मोको स्टोर इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाला है यार 2 से 3 महीने के बाद। जी हाँ दोस्तों आपको अभी मोको स्टोर इवेंट का देखने को मिलेगा, हो सकता है 2 से 3 महीने के मैंने ज्यादा बोल दिया हूँ, क्या पता अभी आपको 1 महीने के अंदर भी देखने को मिल जाए ना पड़ेगा आपको, मैं इतना बस बोलना चाहूंगा। हाँ लेकिन आपको मोको स्टोर इवेंट के अंदर नहीं तो हमारे फेडेविले के अंदर देखने को मिल सकता है। देखो एक सीरिया पर उनके बोलते हैं भाई मेरे यहाँ पर अपना जो स्कॉर्पियन बंडल एंड जो कोबरा बंडल है ना अपन सबको कब तक देखने को मिले। देखो जैसे कि मैंने आपको बेस्ट स्कॉर्पियन बंडल आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिलने वाला। और दोस्तों बात करें अपने कोबरा बंडल के बारे में, तो भाई अपने जो कोबरा बंडल अपन सबको जुलाई मंथ तक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों कोबरा बंडल के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना, मंथ तक इसका जो पूरा कोलैबोरेशन है वो रिटर्न हो जाएगा। उनके बोलते हैं कि भाई रैम्पेज बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रैम्पेज का पूरा कोलैबोरेशन अपन सबको भाई यहाँ पे अगस्त मंथ के रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगस्त मंथ के टाइम पे ही आपको हमारा जो रैम्पेज का ईवो बंडल ना इसका रिंग इवेंट है मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिल जाए। तो देखो भाई यहाँ पर एक्सजी कमन के बोलते हैं भाई पैराडॉक्स हाइपर बुक में AK-47 अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट टॉप इवेंट देखने को मिलने वाला वो हमारे यहाँ पे पैराडॉक्स की हाइपर बुक का टॉप इवेंट देखने को मिलने वाला है। ठीक है अभी दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अंदर हाइपर बुक देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको यहाँ पे AK-47 की स्किन भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आपको उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर टोकन से एंड ये जो टोकन है आपको स्टोर के अंदर से मिल जाएंगे। और अगर आप लोग भाई ज्यादा से ज्यादा डायमंड का टॉप करते हो ना तो आपको यहाँ बिल्कुल ही फ्री में मिले। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई पटकने वटकने की आवाज आ रही है ना तो इसको इग्नोर कर देना, पास के घर में बहुत भयंकर
पहले सो रहा है तो उसको इग्नोर मारो। आप लोग भाई मेरी बातों पे फोकस। बाकी भाई आपसे को यहाँ पर जो टॉप इवेंट देखने मिला है इसके अंदर ग्लोबल के स्किन के साथ हमारे बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने मिलने वाले हैं जो कि हमारे यहाँ पे बस नेक्स्ट टॉप इवेंट होने वाला है। एंड ये जो AK-47 की स्किन दोस्तों ये भी आपको हमारे रैमपेज हाइपर बुक के रैमपेज नहीं माफ करना पैराडॉक्स हाइपर बुक के देखने मिल जाएगी। एंड इसको आपको निकालने के लिए चाहिए टोकन एंड टोकन भाई आएंगे क्रिएट से क्रिएट मिलेंगे हमारे स्टोरी सेक्शन के अंदर। इसलिए आप उनके बोलते हैं कि भाई लक्की व्हील इवेंट अपन सबको कब तक देखने मिलेगा। तो देखो लक्की व्हील जो इवेंट है भाई आपको नेक्स्ट मंथ देखने मिलने वाले दोस्तों। इस महीने मिस्ट्री शॉप इवेंट आ चुका है ना इसलिए अपन को नेक्स्ट मंथ मेरे भाई यहाँ पर जो लक्की व्हील इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है। एंड इसलिए आप उनके बोलते हैं कि भाई ब्लैक चोटी बंडल अपन सबको कब तक देखने मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ पे जो ब्लैक चोटी बंडल अपन सबको बहुत टाइम पहले 7 से 8 महीने पहले अपन सबको मोको स्टोर इवेंट के अंदर देखने मिलता है। अपन सबको वापस देखने मिलने वाला भाई दिवाली के टाइम तो भाई अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ के अंदर दिवाली आने वाली है ना तो उससे आपको उसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा ये वाला ब्लैक चोटी का बंडल। अभी मेरे ख्याल से किसी ना किसी रिंग इवेंट के अंदर आएगा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है तो पॉसिबल दोस्तों आपको ये रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए। तो देखो भाई यहाँ पर एक सी कमन के बोलते हैं सर थ्रोन इमोट कब आएगी। तो देखो दोस्तों अपने यहाँ पे जो थ्रोन इमोट है ना अपन सबको इमोट कैप्सूल इवेंट के अंदर देखने को मिलने। तो देखो भाई यहाँ पे जो थ्रोन इमोट है ना ये काफी फेमस एंड मस्त इमोट है तो ये तो अपने कन्फर्म है कि इमोट कैप्सूल इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी। होर्स का दोस्तों की इवेंट थोड़ा सा डिले भी हो सकता है बट इमोट कैप्सूल इवेंट के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो आपको यहाँ पे 100% देखने को मिल जाएगी। एंड आपने इसके लिए कितने टोल डायमंड सेव करके रखे मुझे अकाउंट से बता दें। नेक्स्ट पे उनके बोलते हैं भाई लेजेंडरी फ्रॉस्ट फायर अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। तो सर जी इससे रिलेटेड आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा मस्त अपडेट देने वाला हूं इससे रिलेटेड तो प्लीज एंड तक उसे वॉच कर लेना। तो ये तो थे भाई हमारे कुछ क्वेश्चंस कुछ कमेंट्स। अगर आपका भी ऐसे कोई क्वेश्चन कमेंट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट जो से पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको उसका 100% रिप्लाई मिल जाएगा। हम लोग फाइनली बात करते हैं यहाँ पर कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड बिट्स के बारे में। बात करें से पहले अपडेट के बारे में इसके अंदर दोस्तों आपसे को यहाँ पर लेजेंडरी फ्रॉस्ट फायर जो बंडल है ना अपन सबको रिटर्न देखने को मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों अभी आपको पता है ये विंटर के टाइम पर रिटर्न आया था तो वापस से अपन सबको देखने मिलने वाले लेकिन इसको आने में बहुत ही टाइम है। हालांकि टाइम है बट हाँ इतना कन्फर्म है कि रिटर्न देखने को मिल तो ये अपन सबको देखने मिलने वाला भाई यहाँ पे दिसंबर मंथ के अंदर। हालांकि टाइम बहुत दूर है बट दोस्तों अपने अंदर कन्फर्म हो चुका है कि ये वाला जो बंडल है ये रिटर्न आएगा। और इतना ही नहीं ये अपने साथ कुछ न्यू चीज़ें भी लेके आ रहा है जैसे कि हमारे न्यू बैनर एंड अवतार जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये बैनर आपको देखने मिल रहा है जिसके अंदर मेरे को फ्रॉस्ट फायर का थोड़ा सा एनिमेशन दिया गया है लेजेंडरी टाइप का है। एंड इसके देखो ये अवतार है ये भी अपना फ्रॉस्ट फायर का है तो भाई ये अपना यहाँ पर इस बार देखने को नहीं मिलते लेकिन आपको इस बार जो रिटर्न आएगा ना अपने यहाँ पे दिसंबर मंथ के अंदर उसके अंदर आपको ये वाले जो बैनर अवतार भी ऐड किए जाएंगे जो कि काफी ज्यादा देखने में मस्त एंड कूल। बात करें इस वाले मास्क के बारे में तो ये मास्क काफी ज्यादा फेमस एंड प्रचलन हो रहा भाई इसके तक अपने गेम के अंदर अभी तक ये आया नहीं है बट इसकी डिमांड अभी से बढ़ चुकी है। तो देखो दोस्तों अपना ये वाला जो मास्क है ना भाई अपन सबको पैराडॉक्स के थीम पे डिजाइन किया गया एंड ये सेट ही अपन सबको यहाँ पर एक भाई पॉसिबल है कि फेडेवेल इवेंट अभी हमारा यहाँ पर मोको स्टोर इवेंट नहीं तो हमारा कोई वे इवेंट देखने को मिल सकता। अभी दोस्तों 17 तारीख को हमारे यहाँ पर जो पैराडॉक्स का इवेंट है पूरी तरीके से आ जाएगा तो तभी के टाइम पे किसी ना किसी वे इवेंट में नहीं तो हमारा मोको स्टोर फेडेवेल इवेंट में देखने को मिल जाए। तो भाई फाइनली बात करते हैं कि नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट अपन सबको कौन सा देखने को मिलने वाले। उससे पहले मेरे भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो हमने पहले पहले हाथों से वीडियो को लाइक जैसे कर दें छोटा सा लाइक हमें 50 लाइक यूज कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट यूज कर देना जिससे आपको डेली ऐसे कंटेंट इससे मिलते रहे। तो भाई अपन सबको जो नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट देखने मिलने वाला वो ये वाला होने वाला जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो काफी सारी आपको यहाँ पे एनिमेशन इमोट्स देखने को मिलेंगे जिसमें से भैया 2 से 3 तो हमारी ओल्ड वाली है मैं आपको यहाँ पर एक एक रिव्यू कराऊंगा लेकिन उससे पहले देखो ये न्यू एनिमेशन इमोट है और लुकिंग वाइज तो मुझे काफी सही लगी। आपको ये एनिमेशन इमोट कैसी लगी प्लीज भैया कमेंट से बता देना ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों अपन सबको यहाँ पे एक ड्रैगन वाली एनिमेशन इमोट देखने को मिलेगी जैसे कि आपको भैया पता हो कि अपने बहुत टाइम पहले आई थी आज से ना 1 साल पहले के समय एक ड्रैगन एनिमेशन इमोट आई थी तो क्या बहुत डिमांड में थी तो फाइनली यहाँ पे देखो ड्रैगन वाली जो एनिमेशन इमोट है ना अपनी गेम के अंदर अपन सबको देखने मिलने वाले। तो टोटली ये मोको स्टोर इवेंट अपन को देखने को मिले मोको स्टोर इवेंट होने वाला है इसके अंदर ना आपके नॉर्मल से जैसे डायमंड लगते हैं 700 से 800 वैसे डायमंड लगने वाले हैं। इसके टोटल आपको एक स्किन यहाँ पे चूज करने को मिलेगी। ये मॉर्निंग में 4 बजे आएगा कब आएगा इसके बारे में बात कर ले तो टोटल अपने यहाँ पे 14 मई को आएगा ठीक है। तो उसका आप लोग भाई 14 मई को ये वाला वीडियो देख रहे हो या फिर 15 मई को देख रहे हो या फिर 13 मई को देख रहे हो मुझे नहीं पता आप लोग वीडियो कब देख रहे हो बट 14 मई को मॉर्निंग में 4 बजे अपन सबको ये वाला जो इवेंट है देखने को मिल जाए। तो भाई वीडियो पसंद वीडियो लाइक जो कर देना चलो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जो कर देना। सो मिलते हो कर ऐसी वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत जय श्री राम।